जब जब उनका राजनीति के उठान होला तब तब धड़ाम से गिर जाते, चाहे उस परिवार के चलते होके, पार्टी के चलते होके, या फिर अपना बिहार से गायब भैया के चलते। कई गो ऐसा सीट जो उनकी जीत सकत रहे राष्ट्रीय जनता दल, वो या हरावे खातिर तेज प्रताप यादव सब कुछ कही। बड़ा झटका लागल, और झटका लागल कि जगता बाबू के बेटा नीतीश कुमार के साथ चले, कांग्रेस के साथ तो रह सकले, कांग्रेस में जाके स्वीकार कर सकले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार ना कर सकले। ये सब बात के आगे अगर बढ़त देखी तो मात्र एक साल के अंदर में महागठबंधन के खंड खंड विखंडन हो गए। तूफान से पहले ही के शांति बा, तूफान से पहले ही के शांति बा, अब की बेर बरियार क्रांति बा, अब की बेर बरियार क्रांति बा। हार जीत से पहले ही, हार जीत से पहले ही खेल हो गई। अब की हली केकरा केकरा से अजुराई इभ्रांति बा, अब की केकरा से अजुराई इभ्रांति बा। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ लोग के अपना कार्यक्रम जनक नाम हो फुटा टोक के। बिहार और बिहार के राजनीति के लेकर के चर्चा चरतरफा शुरू हो गई बा, और खास करके बोचहा चुनाव और ओकरा पहले जौन 24 सीट के MLC के परिणाम आइला ओकरा के लेकर के जबरदस्त राजनीतिक गलियारा में चर्चा बा, और एकरा साथ साथ सहमत के खेल भी चल रहा बा। बोचहा चुनाव से पहले ई देखावे के कोशिश कइल गई कि जौन 24 सीट के चुनाव भइल हा ओकर रिजल्ट जौन आइल हा उ रिजल्ट NDA के पक्ष में आइल हा। ओइजे तेजस्वी यादव ई देखावे के कोशिश कइले कि हम NDA के काड़ा टक्कर देनी, और हिगरा हिगरा के बतौले कि अब के अली फिर नीतीश कुमार के तीसरा नंबर के पार्टी बना दिहल गई। लेकिन ये सब के बीच में तेजस्वी यादव दू डेग आगे चले ले तो तीन डेग पीछे हो जाता रहे। एकरा पीछे के रणनीति का बा, उनका राजनीतिक परिपक्वता और अपरिपक्वता के बीच के दूरी बा, या फिर जो लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासन रहे उ उनकर पीछा नहीं के छोड़त। हालांकि एगो बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि तेजस्वी यादव कोशिश तो बहुत करता रहे, अगल बगल में एक से एक दिग्गज के रखले भी बाड़न जौन की लगातार तेजस्वी यादव के मंत्रणा देता रहन और कुर्सी के नज़दीक तक उनका के पहुँचावे के प्रयास भी करता रहन। लेकिन कुर्सी ना मिलल तो एकरा मतलब होला कि हार ही बतावेला कि पूरा मन से प्रयास नहीं खे भइल, कहीं ना कहीं कुछ छूट गई बा। और इस सूत्र जौन बा कोनो फॉर्मूला पर एकरा के बैठा दे तो सेट कर ला, मानल जानल फॉर्मूला बा, और ये फॉर्मूला हर जगह प्रयोग में आवेला। अब जौन बोचहा के चुनाव परिणाम आ रहा बा ओकरा के लेकर के जबरदस्त संशय के स्थिति बा, आ सब जगह ये दावा हो रहा बा। रुआ काल देखले होगा कि पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी, जिनका के डॉक्टर नमन मिश्रा जी रुआ लोग कहिले, उ पंचनामा में साफ हिगरा हिगरा के बता दिले, जैसे ही उ तीन खंड में पन्ना फाड़ के देखौले तो ई बता दिले कि परिणाम कौना तरफ जा रहा बा। रुआ नहीं देखले तो जाके देख सकिले। लेकिन एकरा साथ साथ एगो और बात बा कि कई लोग के सवाल रहल हा कि पन्ना जौन फरले ओकरा में बड़का पन्ना केकरा लगे बा, मझिला केकरा लगे बा, छोटका केकरा लगे बा। अब इहो बात रुआ लोग के बतावे के पड़ी तब तनी मनी बुझाता कि रुआ लोग के फिर राजनीति के तरफ ध्यान देवे के पड़ी। कहल जाला कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप में बड़ा परिपक्व होले, और ये परिपक्वता कहीं ना कहीं साफ नजर आ जाला, कारण कि दुनिया बिहार के राजनीतिक जौन तैयारी बा और राजनीति करे वाला जौन सूत्र बा ओकरा के लोहा मानेला। जौन बोचहा के चुनाव बड़ुए ओकर परिणाम और ओकरा में का होखे जा रहल बा एकर लगभग हमनी के चाहे वो खूंटा ठोक होके, भारत लाइव होके, पंचनामा होके, सब जगह हमनी के बता देले बन जा, कारण कि अब क्या ली हमनी के पूरा तैयारी रहे और हमनी के टीम लगभग अधिकांश जगह जहाँ जौना तरीका के चाहे वो निचला तबका के लोग होके, चाहे मध्यम वर्ग होके, चाहे उच्च वर्ग होके, केकरा संगे के विरोध में खड़ा बा, भारतीय जनता पार्टी केकर टिकट कटलस उ कितना विरोध करता रहे, कौना जाति और समुदाय के का स्थिति बा, ये सबके अलग अलग हिगरा हिगरा के हमनी के बता देनी जा। चुनाव से ठीक पहले जो 24 सीट के परिणाम आई तो एकरा में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार
खास करके एनडीए की अगर बात करी तो उनका मन में ही बात रहे कि परिणाम बोचहा में फायदा पहुंचा दी, लेकिन भइल एकरा से ठीक उल्टा। खास करके जौन कोर वोटर बन उ नाराज दिखले, लेकिन एकरा के समझावे में कहल गईल कि ई अलग तरह के चुनाव हो और उ अलग तरह के चुनाव हो। देखिए चुनाव कोनो तरह के होके चुनाव एक तरह के होला, जौना में वोट जनता दे ली मतदान करे ली उ चुनाव एक तरह के होला। अब फर्क में इतने बा कि रउआ कतना उनका के प्रभावित करनी, अपना से कतना संतुष्ट कर पैनी। बोचहा चुनाव के अंतिम समय में, चूंकि परिणाम भी अंतिम समय में आई रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में ही बात आ गई कि नीतीश कुमार के ले गई और एनडीए के एकजुटता देखावल बहुत जरूरी बा। कारण कि मुकेश सहनी घात तो कहिए दल रहन, लेकिन उकरो से बड़ घात रुआ लोग से आज खोले जा रहा बानी जौन की तेजस्वी यादव के साथ हो गई। एकर मतलब कि बोचहा में का हुई, का परिणाम बदल जाई, का बोचहा चुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलाव हुई, इस सारा सवाल जौन बा कहीं ना कहीं बिहार और बिहार के राजनीति से होते हुए देश के राजनीति में तैर रहा बा। एकरा पीछे के कारण बा कि रुआ लोग से बहुत पहले याद करब सब है कि ये बात यही मंच पर कहले रही रुआ लोग से कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जौन बा उ एक नया धारा के तरफ देख रहा बा। नीतीश कुमार जौन नरेंद्र मोदी विरोधी मोर्चा बा उह मोर्चा में या ऐसा मोर्चा बने जौन मोर्चा नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव से अलग होके। अब राष्ट्रीय स्तर पर जौन मोर्चा बन रहा ओकरा में रुआ देखले होगा कि तेजस्वी यादव धावा धाई पर विधानसभा के सत्र चल रहे और बजट सत्र के बीच में भागल भागल गईले और जाकर के भेंट कईले। एकर मतलब का रहे और वह लोग से भेंट कईले जौन लोग नरेंद्र मोदी विरोधी गुट के एकजुट करे में लागल बा। ये पूरे माहौल में रुआ देखले हो कब कि दो दिन पहले नरेंद्र मोदी चर्चा करता रहे राहुल गांधी के, इहो बात रुआ लोग से कहले रही तो राहुल गांधी के चर्चा असही मन में उनका आई लक दिले ऐसा बात नहीं है। एकरा पीछे के कारण बा कि साफ तरीका से ये बात देखावे की कोशिश के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ रह तो तहार भला नहीं खे, तहार कल्याण नहीं खे, तहरा ओकरा खातिर अलग से रास्ता बनावे के पड़ी और ये संदेश साफ बा। ओकरा पीछे कारण बा कि रुआ देखले हो कब कि तेजस्वी यादव के परिपक्वता के लेकर के बड़ी लोग सवाल करता। कई लोग कहता कि तेजस्वी यादव पूरा परिपक्व हो गई बाड़े और राजनीति में बड़का बड़का लोग के टक्कर दे रहा बा, लेकिन टीम के प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होके प्रैक्टिस सेशन में मार चौवा छक्का के गर्दा उड़ा देवे और जो मैच होके तो जीरो पर फुक्का के फुक्का। तो एक मतलब का होला कि कहीं ना कहीं तैयारी में रुआ कमी बा या फिर मानसिक रूप से रुआ ओकरा खातिर तैयार नहीं की या फिर कहीं ना कहीं घात रुआ से होता। तेजस्वी यादव 2019 के चुनाव में, हालांकि 2015 से लेकर के 2019 के जो यात्रा भइल ओकरा में 2017 में नीतीश कुमार के अलग भइला के बाद तेजस्वी यादव के चेहरा अलग खुल के आई रहे, लेकिन जब जब उनका राजनीति के उठान होला तब तब धड़ाम से गिर जाले, चाहे वो परिवार के चलते होके, पार्टी के चलते होके या फिर अपना बिहार से गायब भइला के चलते होके। एकरा से रुआ इनकार ना कर सकले कि तेजस्वी यादव में हर वो गुण बा। तेजस्वी यादव के एक नेता के रूप में बिहार के जनता और युवा धीरे धीरे स्वीकार करे लागल बाले, लेकिन तेजस्वी यादव में जौन कमी बा उनका घरे से आ रहा बा। हालांकि 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव एक नया गठबंधन बनल, कई दल एनडीए से टूट करके अले और आ करके तेजस्वी यादव के हाथ मजबूत कैले। अंतिम समय में रुआ देखनी कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लेकर के बहुत सारा बात कह करके, हालांकि नीतीश कुमार के तो एको जगह ना छोड़े कि जहां नीतीश कुमार खड़ा हो जा, नीतीश कुमार के पूरी तरह से एक्सपोज करे के कोशिश कह के और वो महागठबंधन के हिस्सा बन ले। परिणाम रुआ पता बा 40 में से कसहू कांग्रेस एगो इज्जत बचावे खातिर महागठबंधन के सीट ले आ देवस और एकरा बाद से तेजस्वी यादव के योग्यता पर सवाल खड़ा होके लागल। सवाल खड़ा करे वाला भी उहे लोग रहे जो तेजस्वी यादव के समर्थन कैले रहे।
इस सब बात के आगे अगर बढ़त देखी तो मात्र एक साल के अंदर में महागठबंधन के खंड खंड विखंडन हो गई। सबसे पहले जीतन राम मांझी, जिनका के लालू प्रसाद समर्थन भी कैले रहन 2015 में, विरोध भी कैले रहन 2014 में, और विरोध भी कैले रहन 2015 में। मुख्यमंत्री बनले तो उनका के बेशर्त नीतीश कुमार के कहला पर समर्थन देले, और जब मुख्यमंत्री से हटावे के रहे तो नीतीश कुमार के समर्थन करे खातिर लालू प्रसाद समर्थन कैले। एकरा बाद जब 2017 में नीतीश कुमार एनडीए में चल गईले तो भाग करके जब सबसे पहले जीतन राम मांझी अले तो उनका बेटा के एमएलसी बना करके और राष्ट्रीय जनता दल सम्मान भी दिलस, लेकिन सबसे पहले भागे वाला में से उहे रहन। महागठबंधन छोड़ के एनडीए के हिस्सा बनले, नीतीश कुमार के संगे गुतरगु भइल, और उहे नीतीश कुमार जो उनका कुर्सी से उतरले रहन आज वही नीतीश कुमार के साथे झंडा उनकर बुलंद कैले बा। बेटा मंत्री भी बा, और सत्ता खातिर कोई भी त्याग, कोई भी दुश्मनी, कोई भी दोस्ती भुलावल जा सकेला, ये बात पक्का हो गई। यानी कि एक घात ओजे से शुरुआत हो गई। दूसर का उपेंद्र कुशवाहा, जौन की बड़ा पद छोड़ के आई रहन, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देवे वाला बहुत कम लोग होला, और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देवे वाला बिहार से दू गो ऐसा शख्स बना, नीतीश कुमार भी दिले रहन, लेकिन दू गो शख्स, एगो रामविलास पासवान जौन की नरेंद्र मोदी के नाम पर दिले रहन, और दूसर का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर इस्तीफा देवे वाला उपेंद्र कुशवाहा रहन। दोनों एनडीए के हिस्सा बनले, और दोनों एनडीए के हिस्सा बनले तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के बुराई कह के कि उनका में क्षमता नहीं के, वो एकजुट ना रख सकेले, उनका में एरोगेंट बढ़न, उन लोग से मिले ना, एसी कमरा में बैठा रहलन, लोग इंतजार करत रहला, ये सब बात कह करके उनका से अलग भैले उपेंद्र कुशवाहा। आज उपेंद्र कुशवाहा जहाँ बढ़न सबके सबके हो जानता, यानी कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों नीतीश कुमार के साथ आज के डेट में बाण, और तेजस्वी यादव से विद्रोह करके बाण। एकरा आगे बढ़ी मुकेश सहनी के बात करी, मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके, और वह लोग से याद हुई कि भारत लाइव में ओहरी खबर में हमने के दिखाई रही या कि जमीन के फैसला आसमान में भइल, हेलीकॉप्टर माफ करब जहाज में दोनों जना के भेंट भइल तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के, और दोनों के वजह से दोस्ती भइल, बड़ा दल फल के साथ पूरा हुजूम के साथ जा करके महागठबंधन के हिस्सा बनले, और हिस्सा बनला के बाद वह देखबे कहीं नहीं कि कौना तरीका से 2019 के चुनाव साथे लड़ल, लेकिन 2020 के चुनाव से पहले महत्वाकांक्षा सबके बढ़ गई रहे, और सबके ही बात बुझात रहे कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन जो एकजुट भइल बा, और नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू हुई, और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के सत्ता ना मिली, सत्ता तेजस्वी यादव के साथ आई, तो सब कोई अपन अपन हिस्सा बकरा पहले ही फरियावे लागल। मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके और पीठ में छुरा घोपे वाली बात कह करके बाहर भइले, यानी कि एक घात ईमान के चली मुकेश सहनी संग भइल, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ भी भइल। एकरा बाद तेजस्वी यादव आगे बढ़े लगले, लेकिन एकरा पहले 2019 के चुनाव में रुआ याद हुई कि तेज प्रताप यादव का कैले रहन, तेज प्रताप यादव आपन एगो अलगे राग अलपले रहन, और तेजस्वी यादव के डैमेज करे खातिर ऐसा कोनो रास्ता ना रहे जो छोड़ले रहन, कई गो ऐसा सीट जोन की जीत सकत रहे राष्ट्रीय जनता दल वही हरावे खातिर तेज प्रताप यादव सब कुछ कैले। बड़ा घात भइल तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथे, और ई जौन दुख रहे उ सबके उझेलत रहे। एकरा बाद मौका आइल वही बेर रघुवंश बाबू के, और रघुवंश बाबू के एक लोटा पानी कह के कहीं ना कहीं राजपूत समाज के नाराज के लोग तो जौन के झंडा जौन बा उ जगदानंद सिंह और सुनील सिंह पकड़ के कसहूँ राजपूत समाज के जोड़े के एकजुट करे के कोशिश कैले, लेकिन अंतिम समय में बोचहा चुनाव खत्म होते बड़ा झटका लागल, और झटका लागल कि जगता बाबू के बेटा नीतीश कुमार के साथे चल गए, ये बहुत बड़ा घात रहे। ये घात के बाद ये अभी एकरा से उबरले ना रहन, तब तक ले तेज प्रताप यादव इनकर एमएलसी जो जीत के आए बन उनका पर आरोप लगाते हुए और तेजस्वी यादव को में घेरते हुए तेजस्वी यादव के सौन दे ले ओकरा में, और सौन करके फिर विद्रोह के रास्ता पर निकल चुकल वाले। अब ये पूरे कहानी में एक चीज नजर आती कि इस सारा माहौल काहे खाती पैदा होता,
काल तकले तो बात रहे कि कहीं नीतीश कुमार सिर्फ तना बदली हैं, पारी तना बदल दी हैं, का नीतीश कुमार 2017 वाला जौन काम कर रहे फिर से दोहराई हैं। लेकिन एक साथ साथ सबसे बड़ा जौन बात बा वो ई बा कि तेजस्वी यादव के साथ घात पर घात भइल। लेकिन अब आगे के रणनीति जौन बा जौन भीतर खाना से खबर आ रहा बा और राजनीतिक सोच वाला लोग जौन कहता खास करके संपादक नमन मिश्रा जी से जब बातचीत भइल तो यह बात के लेकर के बहुत ज़्यादा जब लंबा यह पर चर्चा कैले तो चर्चा में ये बात निकल करके आई कि कहीं ऐसा तो ना कि प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार के जो रणनीति बनाता वो रणनीति में तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी अलग करके एक नया गठबंधन बने के तैयारी चलता जौना के लीड नीतीश कुमार करी हैं। कारण कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक नया स्वर फूटता वह बात के तरफ इशारा करता कि और वो भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोग से जिनका पर नीतीश कुमार के बहुत भरोसा बा ये बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि तेजस्वी यादव के एक बार फिर से फिर हाथ में फूका के फूका आई जौन की लगातार यह बात के दावा करता है और बोचहा चुनाव से पहले ऐसा होना यह बात के तरफ इशारा करता कि सब कुछ ठीक करे के कोशिश में फिर से एक बार पलटी खा जाई परिणाम तो कोनो बहुत बड़ा बात ना हुई। बिहार और बिहार के राजनीति में ये अक्सर होत रहेला और कहल जा रहा बा कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव एक नया गठबंधन जौना में चिराग पासवान होकर जबकि कहना बड़ा मुश्किल बा कि चिराग पासवान शिफ्ट होके नहीं आई हैं। कारण कि चिराग पासवान अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा ईमानदारी के साथ बा। दूसरका तरफ अगर देखी तो पप्पू यादव के बाद तो पप्पू यादव कभी भी कांग्रेस के साथ तो रह सकेले कांग्रेस में जाकर स्वीकार कर सकेले लेकिन राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार ना कर सकेला। कारण कि पप्पू यादव के आपन प्रतिद्वंदी ना बना सकेले तेजस्वी यादव रुआ याद हुई कि कन्हैया कुमार के प्रतिद्वंदी समझ करके उनका समर्थन से हाथ खींच ले रहे हम और एक परिणाम भी झेले के मिल रहे। अब बदलल परिस्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो ना रास्ता पर चल रहा बड़े वो रास्ता में अवरोध उनका परिवार से ही पैदा हो रहा बा। एक पूरा बात के लेकर के कई गो लोग जौन तेजस्वी यादव के विरोध में भी बा और तेजस्वी यादव के उम्र के भी बा उनका सीधे तौर पे कहना बा कि पूरी तरह से तेज प्रताप यादव में क्षमता बा और वो अगर हमनी के खेमा में आता ना तो हमनी के स्वागत करतन जा। वो ये भारतीय जनता पार्टी तो और बड़ा बात कहलस भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर कहना बा कि कार्यकर्ता के कब्रगाह बन गई बा राष्ट्रीय जनता दल। अब एकरा से बात बड़ बात ना हो सकेला। राजनीति में जो शुरू से जमीन से उठ करके कोशिश में रहला कि जनता के सेवा करिए और कोनो पद प्रतिष्ठा पर जाकर के और ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा लोग के कामे आई हैं वो मकसद पूरा नहीं हो। अब ये पूरे माहौल में बोचहा के रिजल्ट से पहले ही तेजस्वी यादव के साथ अगर देखी तो उनका परिवारे से बरियार घात हो रहा बा और एक घात में उनकर भाई शामिल जरूर बा जौन कि पहले भी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी सबके अपना देने बुला चुकल बा। तीन दिन पहले ही देखने की झंडा बैनर लेकर के खड़ा रहन पोस्टर देखावत रहन कि चाचा जी वापस आई। ये सब बात के लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के विपरीत जा रहा बा और ऐसा स्थिति में तेजस्वी यादव यह रणनीति से कैसे बाहर निकली हैं ए चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकली हैं ये बड़ा सोचनीय विषय उनका खाती बा। लेकिन बिहार के राजनीति खाती एगो नया धारा के शुरुआत कहीं ना कहीं सुबुगाहट ओकर आ रहा बा धीरे धीरे ओकर देगा पाही शुरू हो गई बा जौना में कहल जा रहा बा कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके एक नया गठबंधन के तैयारी बा जौना में हो सकेला कि नीतीश कुमार लीड करस तो कोई बड़ा बात ना हो। आज के खुटा ठोक में रुवा लोग से ये विदा लेब कल फिर मिले के वादा के साथ है। गोड़ा रहता है।